दोस्तों अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसमें रेडियो की जो पोस्ट है उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रही थी उसका सिलेबस जो है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर दूसरा मैं आपको डेली रेगुलर रेडियो के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है यानी कि जिस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेबस मैंने आपको बताया है वो देख लेना कंप्यूटर बेस्ड है पूरा सिलेबस और डिटेल में बताया है वो वीडियो वो वीडियो देख लेना यहाँ पर आई बटन पर भी मिल जाएगा सिलेबस वाला दूसरा मॉडल क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिल्कुल 100 so क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली पूरे अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम बेस्ड है यानी कि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे 100 so क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर हर पेपर में 100 so क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंद रहेगा लेकिन आप ध्यान से देखें जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन देखना कि कर्जर एक है कर्जर एक क्या है तो कर्ज़र जो है ये पिक्सल है या पतली निमिश पंक्ति देखिए इंग्लिश में भी अगर कोई इंग्लिश वाला है देखिए जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा हिंदी हमें समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश भी देखिए पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर नन ऑफ दिस तो कर्ज़र जो है वो क्या है एक पतली निमिश पंक्ति है थिन ब्लेंकेट लाइन है नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपा, आप आपसी प्रणाली में संचयित एक फाइल का उपयोग कर सकते हैं आपसी प्रणाली में संचित एक फाइल का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए सी स्लेश माई डॉक्यूमेंट स्लेश ऑफिस कलेक्शन डेस्कटॉप टॉप पर खालिस्तान बना के डेस्कटॉप पर क्या बना के हम ऐसा कर सकते हैं तो डेस्कटॉप पर हम संपर्क बनाकर ऐसा कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा जिन लोगों ने कंप्यूटर का नॉलेज हो जिन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर चलाया भी हो नेटवर्क वगैरह जो नेट वगैरह पर नेट चलाते हैं मोबाइल पर लगे रहते हैं वो चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प जो है वो दिखाई नहीं देता जब आप स्टार्ट या सट डाउन क्लिक करते हैं कंप्यूटर को सट डाउन या स्टार्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प नहीं दिखाई देता देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें रिस्टार्ट का भी आता है इसमें और जब शट डाउन करते हैं तो शट डाउन ऑप्शन भी आता है इसके बाद लॉग ऑफ भी आता है लेकिन जो लॉग ऑन है ये कहीं पर भी नहीं आता है तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा लॉग ऑन हो जाएगा लोगों जो है ये इसका आंसर हो ये नहीं आता है नेक्स्ट हम देखेंगे सूचना जो है वो छोटी इकाइयों में नेटवर्क पर भेजी जाती है उन्हें कहते हैं सूचना जो है वो छोटी इकाइयों में नेटवर्क पर भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं तो जो सूचना है वो पैकेट के रूप में जाती है किसके रूप में जाती है पैकेट के रूप में जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैकेट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में से कौन सा आई ओब्लिक आई ओ डिवाइस नहीं दर्शाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन आई ओ डिवाइस तो इसमें स्पीकर जो सी टी करें जॉस्टिक प्लास्टर या एल यू इनमें से इसका आंसर रहेगा एल यू जो है ये आई ओ डिवाइस नहीं दर्शाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम उपकरण जो अनुदेश तो देखिए इसके लिए आप मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ आपको और डिटेल में अगर पढ़ना है तो कोई सी भी कंप्यूटर बेस्ड जो भी बुक हो आपने अगर बीएससी करी हो तो कंप्यूटर साइंस अगर बीएससी करी हो तो वहाँ पर उसमें जो बुक आपने यूज़ की हो वो आप पढ़ लें अच्छे से एक बार और या आपने डी सी ए पी जी डी सी ए किया है तो उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड या फिर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्क बेस्ड जो लैंग्वेज बेस्ड जो बुक है उस वो पढ़ लें आप कोई भी नॉर्मली मैं आपको दो तीन बुक्स की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंप्यूटर की जो बेस्ट बुक है उनकी आप ऑनलाइन परचेस कर लेना उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है उसे कहते हैं देखिए अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हमारी बात मानता है जो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करता है अब आप अनुदेश को हिंदी में समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए तो प्राथमिक मेमोरी यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है तो इसका आंसर क्या होगा सी जो है ये हमारे इंस्ट्रक्शन मानता है ये इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना तो सी पी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि स्मृति भंडार के संबंध में सही समीकरण को पहचाने देखिए कितना सिंपल सा है लेकिन अब आप अगर इसको हिंदी में पढ़ोगे इंग्लिश में पढ़ देंगे तो स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज जो है अब वो आपने पढ़ा होगा के बी देखा हम यूज़ करते हैं बिल्कुल डेली लाइफ में के बी एम बी जी बी तो यहाँ पर जो समीकरण का मतलब क्या है कि इनमें से बड़ा छोटा छोटा जो है ये आरोम लिखा है तो यहाँ पर तो उन्होंने के बी को बड़ा बना दिया एम बी ये गलत है एम बी को के बी से बड़ा बना दिया लेकिन जी बी को छोटा बना दिया के बी जो है एम बी से छोटा है मतलब एम बी के बी से बड़ी है और जी बी एम बी से बड़ी है तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए आपको पैसेंस बना के रखना पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि ये सो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मेहनत करके और पहली बार आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लासेस जो आपको मिलती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए छवि की फाइल का निम्न में से विस्तार होगा छवि की फाइल का छवि अभी देखिए हिंदी फिर बोल दिया एन इमेज फाइल जो इमेज फाइल है वो क्या रहेगी तो एक्स सी e रहेगी डॉट ई एक्स सी या डॉट सी एल एस रहेगी या फिर डॉट बी एम आई एम जी रहेगी या फिर डॉट बी एम पी रहेगी तो ये डॉट बी एम पी रहेगी इसका आंसर क्या रहेगा डॉट बी एम पी नेक्स्ट हम देखते कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन हो स्थान में होता है देखिए अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शन का जो वास्तविक क्रियान्वयन है वो कहाँ पर होता है ए में होता है नियंत्रण विभाग में होता है यानी कंट्रोल यूनिट में होता है भंडारण इकाई देखिए इतनी हिंदी जो है बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या दे दिया इन्होंने इसलिए मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए लेकर आया हूँ स्टोरेज यूनिट तो इनमें से क्या रहेगा आंसर ए में वास्तविक क्रियान्वयन ए में ही होता है चलिए इनके फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखने हैं जो भी आप मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो भी कुछ कहीं पर भी चारों ऑप्शन आते हैं तो वो भी आपको पढ़ लेना है ताकि अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन भैया रुकना नहीं चाहिए पहली सीडी कंप्यूटर की संसाधन गति खालिस्तान थी जो पहली सीडी का जो कंप्यूटर था उसकी जो जनरेटिंग देखिए जनरेटिंग कंप्यूटर बाद प्रोसेसिंग स्पीड यानी संसाधन गति प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो क्या थी मिली सेकेंड्स थी या माइक्रो सेकेंड्स थी या निनो सेकेंड्स या पीसी सेकेंड तो इसकी थी मिली सेकेंड उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी मिली सेकेंड थी चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से क्या प्राथमिक भंडारण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राथमिक भंडारण देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है इनमें से क्या है जो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में चुंबकीय टेप प्रोम यानी कि पी आर ओ एम फ्लोपी डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो आपका पी आर ओ एम है पी आर ओ जो है ये प्राथमिक भंडारण के रूप में यूज़ किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज डब्ल्यू ए एन नेटवर्क डब्ल्यू एन नेटवर्किंग जो है सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम है इसका पूरा नाम बताइए देख लीजिए डब्ल्यू ए एन यानी कि वे एन का फुल फॉर्म बताना है अपन को इन्होंने पूछा तो भैया वेब एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क नेटवर्क की विस्तृत श्रेणी या फिर वायरलेस नेटवर्क हैक्सिट तो देखिए भैया जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा वाइड एरिया नेटवर्क होता है वेन का फुल फॉर्म है ना और वेन एक होती है जो कि जो कार होती है ना उसको बोलते हैं वेन एक अस्थाई स्मृति देखिए टेम्प्रेरी मेमोरी क्या है प्राथमिक मेमोरी माध्यमिक मेमोरी बी आई ओ एस मेमोरी या फिर उपरोक्त सभी देखिए जो प्राथ देखिए अस्थाई यानी कि जिसको डिलीट किया जा सकता है तो डिलीट किया जा सकता है वो प्राइमरी मेमोरी रहती है ना सेकेंडरी मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता नेक्स्ट है कि इस तरफ प्रदर्शित देखिए ये आपको एक इमेज प्रदर्शित है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलेट है ना तो इस तरफ प्रदर्शित किए गए आइकॉन में नाम को एक अंडाकार डोट 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 द्वारा क्यों सीमित किया गया है देखिए इसको डोट 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 द्वारा क्यों सीमित किया गया है विंडोज उपयोगकर्ता ने अंडाकार के साथ आइकन का नाम दिया है डिफॉल्ट रूप से आइकन के नाम अंडाकार से छोटे हैं यदि नाम बहुत लंबा है तो यहाँ एक अंडाकार से छोटा कर दिया जाता है हाँ तो ये बिल्कुल देखिए नाम बड़ा है अब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कि ये क्या इसका जो ये मोनो है ये बड़ा नहीं कर सकते तो इसलिए जो आइकॉन है उसको बड़ा नहीं कर सकते तो इसलिए ये इसलिए छोटा कर दिया गया है डोट 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 तो इसरा तो आंसर सही है नेक्स्ट है कैसे आप अपने फोल्डर को सुरक्षित कर सकते हैं कि आपको छोड़कर कोई उसे देख नहीं सके आपको छोड़ कर, आप इसे छिपा सकते हैं आप इसे सुरक्षित करने के लिए एक पासवर्ड असाइन कर सकते हैं बिल्कुल आप दोनों ही काम कर सकते हैं ए या बी दोनों कर सकते हैं आप इसको छिपा दो कहीं पर ड्रम वगैरह में कहीं पर भी छिपा दो घर के किसी भी कोने में छिपा दो घर मतलब कंप्यूटर के किसी भी कोने में छिपा दो किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते हुए डोस कमांड की अधिकतम लंबाई है देखिए जो डोस कमांड होती है देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ मुझे भी बहुत या फिर पूरा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर ही इसको बनाया है आपके लिए और बता रहा हूँ तो कहीं पर अगर गलती हो जाए तो इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा देख लें हालांकि गलती की गुंजाइश में नहीं रखूँगा बाकी फिर भी अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसका जो है वन ट्वेंटी सेवन करेक्टर्स है आंसर नेक्स्ट तो देखते हैं कि कॉपी और एक्स कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है कॉपी और एक्स कॉपी किन अर्थों में समान है दोनों डॉस की आंतरिक कमांड है देखिए यहाँ पर दूसरा जो सिस्टम है वो चालू हो गया है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चालू हो गया है यहाँ पर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स इस या फिर इसके क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतने नंबर का आएगा <laughs> या फिर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन मैंने अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी परसेंट चांसेज है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि कंप्यूटर में जो चीज़ है वही तो पूछी जाएगी आपसे आपसे कमांड पूछी जाएगी आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा यही चीज़ें तो पूछी जाएगी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज पूछा जाएगा अलग से कोई तो आएगा नहीं अगर मैथ्स में आपको दे दिया कि भैया मैथ्स से पूछा जाएगा तो मैथ्स में आपके जितने भी चौबालीस पैंतालीस चैप्टर है टेंथ बेस्ड वही तो पूछ जाएंगे नंबर सिस्टम तो पूछा जाएगा औसत प्रतिशत तो पूछा जाएगा अब थोड़ा सा ये है कि अगर कोई सा चैप्टर ज़्यादा पूछ लिया जाएगा कम पूछ लिया जाएगा कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है किन अर्थों में समान है दोनों डोज के अंतर कमांड है दोनों डोज की बाहरी कमांड है दोनों फाइल या समूहों के फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और अगला है ए और बी दोनों तो इसमें से आपका जो आंसर है ये क्या रहेगा भैया इसका मुझे ध्यान नहीं थोड़ा सा दोनों फाइल या समूहों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है इसका आंसर रहेगा दोनों फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कि डोस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए आप इस कमांड का उपयोग करते हैं कि डोस की जो छिपी प्रणाली फाइल है उसको एक और डिस्क पर कॉपी करना है भैया तू कहाँ कहाँ से आया यार तेरा क्या काम उपयोग कर सकते हैं कॉपी रेन सिस और डिस्क कॉपी तो इसके लिए आपको देखिए सिस एस वाई एस करना पड़ेगा और इस, ये इस कमांड के लिए के दौरान आप इसको कॉपी करने कर सकते हैं नेक्स्ट है कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूटअप होता है बूटअप जब किया जाता है कंप्यूटर को तब चला जाता है ये प्रोग्राम तो ये कौन सा प्रोग्राम है सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम ऑपरेशन है या कोई नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इसको चलाया जाता है बूट के दौरान चलिए नेक्स्ट है कि कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है तो कौन सी कमांड है जो स्क्रीन को साफ करने के लिए की जाती है सी एल एस क्लियर सी एल स्क्रीन या फिर उपरोक्त तो सभी तो जो सी एल एस कमांड है वो स्क्रीन को साफ करने के लिए की जाती है डिजिटल प्रणाली आम तौर पर सिस्टम पर संचालित की जाती है खालिस्तान सिस्टम पर संचालित की जाती है किस सिस्टम पर संचालित की जाती है भैया बाइनरी डेसिमल ऑक्टल या फिर एक्सर डेमन तो भैया बाइनरी बाइनरी अंक जो वन जीरो वन ज़ीरो वन जीरो रहता है उस पर इसको संचालित किया जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि कोड कोडिंग हो जाती है इसकी अब नेक्स्ट जीरो वन टेन एलेवन गिनने के बाद अगली द्विधारी संख्या है देखिए ये जो पूरा जो है ना ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन गिनने के बाद जो है अगली संख्या क्या आएगी तो वन टू बिल्कुल भी नहीं आएगी कोई चांस ही नहीं है इसका वन ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन 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 जीरो देखिए वन जीरो जीरो जो है ये इसकी अगली संख्या आएगी बाइनरी में अगर हम देखें तो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन से घटक प्रारंभिक विंडोज़ स्टार्टअप प्रदर्शन में दिखाई देते हैं देखिए प्रारंभिक इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं विच कंपोनेंट अपीयर्स इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले जो स्टार्टअप विंडो है उसमें क्या क्या देता? दिखाई देता है डायलॉग बॉक्स टास्क बार स्टार्ट मेन्यू या उपरोक्त सभी तो देखिए उपरोक्त तो सभी दिखाई देते हैं इसमें डायलॉग बॉक्स भी टॉक्स बॉर भी और स्टार्ट मेनू भी दिखाई देते हैं नेक्स्ट है आप थोड़ा सा कंप्यूटर में भी अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप हो तो उसमें भी चेक कर ले ये सारी चीज़ें है ना थोड़ा सा अगर आप उसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है आज की तारीख पाने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो क्या है डेट टाइम सेकेंड उपरोक्त सभी तो ये डेट है आज की तारीख पाने के लिए डेट चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोम सी पी यू रेम और विस्तार कार्ड रखता है मतलब इसके पास सारा ही चीज़ है भैया रोम भी है सी पी यू भी है और रेम भी है है ना और एक्सप्लोजन कार्ड भी है कि भैया मैंने ये क्यों रख रखे हैं वो ये भी बता देगा तो इसका क्या हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है ये मदर बोर्ड या उपरोक्त कोई नहीं है तो जो मदर बोर्ड है ना इसके बाद सभी कुछ सब कुछ रहता है कहीं से भी इससे पूछ लो ये आपको बता देगा सी पी यू मेमोरी और बाहा उपकरणों के बीच संचार लाइन को क्या कहा जाता है देखिए जो सी पी यू मेमोरी है और जो द कम्युनिकेशन लाइन है उसके बीच की जो संचार लाइन है ये मेमोरी एंड पेरी पैरल्स ऑफ कॉल्ड तो इसको क्या कहा जाता है बस लाइन मीडिया या इनमें से कोई नहीं तो बस इसको बस कहा जाता है क्या कहा जाता है बस है ना नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइलें इसमें जमा हो जाती हैं देखिए हमने किया है बहुत बार किया है हम डिलीट कर देते हैं उसको कहाँ से लेकर आते हैं भैया उसको रिसाइकल बिन में से ही तो लेकर आते हैं हम तो ये क्या है ये कुछ अलग से थोड़ी इन्होंने पूछा है आपको कोई कैलकुलेशन थोड़ी करना आपको याद रखना चीज़ों को कौन सी कमांड को आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है अगर आप डायरेक्टली हटाना चाहते हैं डायरेक्टली अगर आप हटाना चाहते हैं तो डेलेटरी डेलेटरी बाई एफ डेलेटरी ये डेल और ये स्टार डोट स्टार स्लेस पी स्लेशरेज तो ये जो डेल है थर्ड वाला है ये यूज़ किया जाता है इसके लिए कुंजी संयोजन को सिस्टम को पुनः आरंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मतलब इसमें से कौन सी आपको के का कॉम्बिनेशन करना है कौन सी कमा कौन सी बटनों का यूज़ करना है एक साथ कि उसको सिस्टम पुनः प्रारंभ हो जाए सिस्टम पुनः प्रारंभ करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा भाई कंट्रोल अल्ट और डिलीट कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाना पड़ेगा तो सिस्टम री स्टार्ट हो जाएगा है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप ये चीज़ें ट्राई भी कर सकते हैं अभी आपको आपको आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर हो टेक्निकल टीम ज़रा ध्यान दें इस बात पर कौन से घटक स्टार्टअप विंडोज़ डिस्प्लेस में दिखाई देते हैं जो स्टार्टअप विंडो है उसमें दिखाई देते हैं देखिए ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है है ना कि डायलॉग बॉक्स स्टार्ट मेनू टास्क बार उपरोक्त सभी तो उसमें उपरोक्त सभी आएगा है ना ये इन्होंने गलत दे दिया टास्क बार चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गए हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है पूर्ण स्क्रीन में एक पूर्वालोकन मार्जिन के साथ एक पूर्वालोकन अब प्रीव्यू मार्जिन मार्जिन और गटर के साथ व्यू और संरचना के साथ एक व्यू विभिन्न स्तरों पर है ना संरचना के साथ एक विभिन्न व्यू स्तरों पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला संरचना के साथ एक विभिन्न व्यू स्तरों पर बढ़ रहा है नेक्स्ट है कि यह आइकन एम एस एक्सएल में खालिस्तान करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये जो आइकन है ना ये ये आपने देखा होगा यूज़ भी किया होगा थ्री चित्र बनाने के लिए एनिमेशन बनाने के लिए चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया चार्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना इसको चार्ट बनते हैं ना वो ऐसे करके ऐसे ये ये बना दिया फिर ये बना दिया ऐसे करके तो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एम एस में एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप कर सकते हैं एम एस पी पी टी यानी कि एम एस एक्सल जो एम एस पी पी टी है माइक्रोसॉफ्ट पी पी टी है उसमें एक चार्ट को आपको बनाना है एडिट करना है संपादित यानी एडिट आपको याद रखना है तो अब क्या करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रिपल क्लिक चार्ट करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे डबल क्लिक डबल तो करना पड़ेगा तो आपको टिक टिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा है ना डबल डबल क्लिक करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एम एस वर्ल्ड में निम्नलिखित फंक्शन की दबाकर हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं अगर हमें फाइंड एंड रिप्लेस लाना है फोल्डर उसमें एम एस वर्ल्ड में तो हमें क्या दबाना होगा F4 फोर कंट्रोल एफ फोर या कंट्रोल F5 क्या दबाना रहेगा तो ओनली आप F5 दबा दीजिए तो वो वाली फंक्शन खुल जाएगा चलिए नेक्स्ट है कि एम एस में कस्टम एनिमेशन टॉस्क पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पॉथ लागू करने की अनुमति देता है एडिफेक्ट एम्पेसिस एनिमेट नाव या फिर उपरोक्त सभी तो इसमें से जो एड इफेक्ट है ये आपको कस्टम एनिमेशन आप तभी तो कस्टम एनिमेशन ला सकते हो ना एड इफेक्ट इफेक्ट एड करोगे तभी एनिमेशन लाओगे निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप इनमें से कौन सा मार्जिन का प्रकार नहीं जो सेंटर है वो मार्जिन का प्रकार नहीं है चलिए नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सी विधि एक्सेल में डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है एक्सेल में डेटा दर्ज करने एरो को दबाना टेब को दबाना ई एस सी को दबाना या फिर देखिए ये यहाँ पर देखो आप ये ये एरो आपको लिखा हुआ रहे, रहता है एरो की जो है वो रहती है आपके कीबोर्ड में टेब की रहती है ई एस सी की रहती है क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार इनमें से चारों में से किस पर क्लिक करना रहेगा आपको ई एस सी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल में डाटा दर्ज हो जाएगा इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट क्या है यार ये इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज ये इंग्लिश में पढ़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट टेक्स्ट आर बटन ऑन द टूल बार ये टूल बार पर बटन है किस टूल बार पर बटन है फॉर्मेटिंग पर हेडर फूडर पर स्टैंडर्ड पर या एडिट पर तो सिंपल सी बात है भैया ये हेडर फूडर पर रहेगा है ना तो भैया हेडर फूडर पर कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ इसका क्या परिणाम होगा हमने से एक परिणाम देगा नीचे एक्सेल सीट में एक सूत्र सम ए फाइव बी फाइव सी फाइव डी फाइव और ई फाइव यानी इसको 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 इसको, इसको। ये अगर कमांड दी जाएगी तो ये क्या करेगा इनको जोड़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा इसका परिणाम एक होगा चलो मेरे भैया मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैथ्स पढ़ लेना आप लोग चैनल पर देखो चैनल पर आप जाना बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलेंगे एमपी पुलिस जो एस एफ डी एफ रेडियो में क्या डिफरेंट है वो वाला मैंने वीडियो बनाया है एस एफ डी एफ जो अभी वैकेंसी आई है और रेडियो में क्या डिफरेंट है वो वीडियो बनाया है एट्टी प्लस वाली स्ट्रेटजी बताइए भैया मैंने जब तक आप एट्टी से अबव नंबर नहीं लाएंगे आपका सिलेक्शन कतई होने ही नहीं है मेरे भाई तो भैया एट्टी नंबर लाना है तो वो वाला वीडियो देख लेना लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी चैनल पर जाओगे वहाँ पर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा वीडियो आप जहाँ देखोगे वहीं मिल जाएगा खालिस्तान को एम एस एक्सेस में सक्रिय सेल में से सेल ए वन में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इनमें से किसको यूज़ किया जाता है ऐसा करने के लिए होम को पेज अप को पेज डाउन को या फिर कंट्रोल प्लस होम को भैया कंट्रोल प्लस होम को आप यूज़ करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा बिल्कुल हंड्रेड परसेंट होगा बिल्कुल टाइम लगने ही नहीं है यहाँ पर कुछ भी कहीं पर भी झोल नहीं है ये सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है अपना खुद का डिपार्टमेंट है कंप्यूटर एम एस में ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो स्लाइड पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट होल्डर आटो ले लेआउट या फिर टेक्स्ट होल्डर तो उनको कहते हैं, भैया प्लेस होल्डर कहा जाता है उनको नेक्स्ट हम देखते हैं एम एस पी पी टी में आटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो स्वचलित रूप से अपनी प्रस्तुति में क्लिप आर्ट रख देता है क्या ऐसा होता है क्या प्रत्येक स्लाइड पर आप आपके शब्दों में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है वर्ड आर्ट में वस्तुओं में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है उपयुक्त सभी बिल्कुल जो आटो क्लिप आर्ट है ये पूरा चारों तीनों काम करता है ये तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा निम्न से कौन सा शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है संसाधन सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वर्ड परफेक्ट आसान शब्द एम एस वर्ड उपरोक्त सभी तो ये चारों जो है ना ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको बिल्कुल याद रखना हंड्रेड परसेंट याद रखना है निम्न में से कौन सा एक छपाई के दौरान एम एस वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रस्ट ओरिएंटेशन है प्रस्ट ओरिएंटेशन है रेगुलर स्टैंडर्ड लैंडस्केप या पे प्लेन तो देखिए ये लैंडस्केप है ये पेज ओरिएंटेशन में यूज़ होता है है ना नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आउट अलाइनमेंट नीचे दिए गए शब्दों पर लागू किया गया बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा ये चीज़ कि कौन सा अलाइनमेंट किया गया है राइट लेफ्ट सेंटर या जस्टिफाई देखिए कौन सा पूरा इसको हम रखे आप बोला इसने निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट नीचे दिए गए अलाइनमेंट है ना कौन सा अलाइनमेंट इसमें यूज़ किया गया है तो ये बिल्कुल जस्टिफाई किया गया है उसको ये जो ये जो बॉर्डर बनाई गई है ये इसको जस्टिफाई करने के लिए तो बनाई गई है तो आपको बस नॉर्मल सा याद रखना है आप एम एस एक्सएल को एक कॉलम को नष्ट कैसे करेंगे एम एस एक्सएल में एक कॉलम को नष्ट कैसे करेंगे तो भैया हम क्या करेंगे कॉलम हैंडल का चयन करें जो आप डिलीट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर डिलीट रो बटन का उपयोग करें बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं होगा कॉलम हैंडिंग का चयन करें जो आप डिलीट करना चाहते हैं मेनू से इंसर्ट डिलीट पर चयन करें ऐसा भी नहीं होगा रो हेडिंग का चयन करें जो आप डिलीट करना चाहते हो मेनू से एडिट डिलीट करें ऐसा भी नहीं होगा कॉलम हेडिंग राइट क्लिक करें बिल्कुल राइट क्लिक करना है आपको जो आप डिलीट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट ऑप्शन पर चयन करें बस सिंपल सा है यार तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा एंड की का उपयोग क्या है एंड की जो है यानी कि ये वाली ई एन डी की एंड की जो रहती है आपके की में उसका उपयोग क्या है सिंपल सा है भैया लाइन की अंत में कर्जर को ले जाता है बिल्कुल यही आंसर है इसका लाइन के अंत में कर्जर को ले जाता है बस खत्म काम नेक्स्ट है भैया ऑटो कैलकुलेट सुविधा का क्या लाभ है इसका क्या बेनिफिट है सिर्फ सेल की रेंज में वैल्यू ऐड कर सकता है या फिर सेल की रेंज पर अर्थमेटिक ऑपरेशन के परिणाम को देखने के लिए रास्ता देता है रास्ता देता है दस बाय दस का फॉर्मूला में स्वचलित तरीके से बनाता है वर्कशीट में जोड़ता है या फिर उपरोक्त तो इसमें आंसर क्या रहेगा सेल की रेंज पर अर्थमेटिक ऑपरेशन के परिणाम को देखने के लिए रास्ता देता है दस बाय दस का यहाँ तो मेयर भी खोद दे और वहाँ दस बाय दस को रास्तों चाहे आइकन जो कैरेक्टर के फार्मेट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा आइकन जो है वो कैरेक्टर के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है तो भैया फॉर्मेट बटन पेंटर फॉर्मेट पेंटर या कैरेक्टर पेंटर तो जो फॉर्मेट पेंटर है वो यूज़ किया जाता है है ना चलिए नेक्स्ट है एम एस वर्ड दो हज़ार तीन में कौन सा मेन विकल्प विंडो को विभाजित कर दो भागों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एम एस वर्ड दो हज़ार तीन की बात कर रहा है फॉर्मेट विंडो या फिर व्यू विंडो स्लिट ये पहले व्यूर करना है ये विंडो करना है फिर स्प्लिट या फिर विंडो स्प्लिट या फिर व्यू स्प्लिट तो इसमें क्या होगा आपको पहले विंडो और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्प्लिट का इतने सारे ऑप्शन नहीं आएंगे चलिए नेक्स्ट है एम एस एक्सेस में रिफाइंड नाम बॉक्स खालिस्तान में दिखाई देता है एम एस एक्सेस एक्सेल में रिफाइड डिफाइंड डिफाइंड सॉरी डिफाइंड नाम बॉक्स में खालिस्तान में दिखाई देता।, देता है व्यू बार में दिखाई देता है फॉर्मूला बार में दिखाई देता है स्टेटस बार में मेनू बार में तो फार्मूला बार में आपको ये देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से ड्रॉप डाउन सूची कौन सी इनमें से ड्रॉप डाउन सूची वो कौन सी लिस्ट है कॉम्बो बॉक्स है टेक्स्ट एरिया है या कोई नहीं तो जो कॉम्बो बॉक्स है ना भैया वो ड्रॉप डाउन सूची हाँ थक गया ना मैं तो कौन कैसे आप एम एस में हर बार एक बिंदु द्वारा चयनित शब्द के फ्रंट साइट को घटा सकते हैं कैसे क्या करना होगा आपको बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ये इधर का जो ब्रैकेट होता वो स्लेस कंट्रोल प्लस फिर वापस से इधर का ब्रैकेट दबाकर कैसा करना होगा तो देखो आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते प्रेसिंग कंट्रोल ये इधर का ब्रेकेट दबाना होगा आपको और फिर वापस इधर भी ऐसे ब्रेकेट दबाना हो स्लेस कंट्रोल प्लस ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आप प्रोसेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा मतलब बिल्कुल कहीं पर भी नहीं अटकेगा सननन जाएगा बिल्कुल किस प्रकार का फोन फोन इफेक्ट किस प्रकार का फोन इफेक्ट द दिन में दो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया करेंगे है ना ये आप जैसे ए और यहाँ पर नीचे बी लिखेंगे इस टाइप से इटेलिक स्मॉल सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट जो सब स्क्रिप्ट है ये तो आपका फोन स्मॉल इटेलिक तो इसमें रहेगा सब स्क्रिप्ट यूज करना आपको इसके लिए एम एस में निम्न निम में निम निम से कौन सी की आप एम एस वर्ड में कर्ज़र के दाएं तरफ के करेक्टर को हटाने के लिए उपयोग करेंगे एम एस वर्ड में निम्न से तो कौन सी की आप एम एस वर्ड में कर्जर के दाएं तरफ के करेक्टर को हटाने के लिए यूज़ करेंगे एंटर या फिर डिलीट या फिर बैक स्पेस या फिर इंसर्ट तो डिलीट का यूज़ करना आपको एम एस वर्ड में कर्ज़र के दाएं तरफ के करेक्टर को हटाने के लिए एम एस पी पी टी में नंबर और टेक्स्ट से मिलकर बना हुआ मटेरियल इस तरह सबसे अच्छे से प्रस्तुत होता है किस तरह सबसे अच्छे से प्रस्तुत होता है एक टेबल स्लाइड एक बुलेट स्लाइड टाइटल स्लाइड या प्रोक्सलाइड तो टेबल स्लाइड से बहुत अच्छे से यार आप टेबल बनाएंगे एक मस्त सी इसमें क्या रहेगा नंबर और टेक्स्ट इस टाइप से इसमें आप एक दो दिन नंबर लिखेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये टेबल में ज़्यादा अच्छे से लगेगा कितने वर्कशीट्स डिफॉल्ट रूप से एक वर्क बुक में मौजूद हैं कितने वर्कशीट्स डिफॉल्ट रूप से एक वर्क बुक में मौजूद हैं एक दो तीन या चार तो तीन इसका आंसर सही रहेगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते भैया कौन सा फीचर सीधे कोड में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है जब आप टाइप करते क्वाट्स जो रहता ना क्वाट्स स्मार्ट क्वाट्स सीधे कोड को स्मार्ट क्वाट्स में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया देख लो ऑटो करेक्ट जैसे ही आप टाइप करते हैं ऑटो चेंज जैसे ही आप टाइप करते हैं ऑटो फॉर्मेट या फिर स्मार्ट टैग जैसे ही आप टाइप करते हैं तो भैया ऑटो करेक्ट जैसे ही आप टाइप करते हैं ये इसका आंसर रहेगा एम एस वर्ल्ड स्क्रीन पर आपको हॉरीजेंटल स्प्लीट का बार कहाँ मिलता है हॉरीजेंटल स्प्लीट बार कहाँ मिलता है तो हॉरीजेंटल स्क्रॉल बार के बाएं तरफ एम एस वर्ल्ड स्क्रीन की बात कर रहा हो या फिर हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के दाएं तरफ या फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर देखिए हॉरिजेंटल के दाएं बाएं मिलेगा ही नहीं हॉरिजेंटल की तो पूछ रहा हुआ तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर मिलेगा आपको ये चीज़ एम एस पी पी टी में अधिकतम जूम प्रतिशत है एम एस पी पी टी में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है चार सौ प्रतिशत है ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि एम एस पी पी टी में एक व्यू जो एक व्यू जो प्रस्तुति में स्लाइड प्रदर्शित करता है स्लाइड के मिनिएचर प्रतिनिधित्व के रूप में है उसे क्या कहते हैं एम एस पी पी टी में एक व्यू जो प्रस्तुति में स्लाइड प्रदर्शित करता है तो है ना तो स्लाइड्स को कहते हैं या स्लाइड शार्टर व्यू कहते हैं नोट्स पेज व्यू या फिर आउटलाइन व्यू स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं उसको जो कि स्लाइड के मिनिएचर प्रतिनिधित्व के रूप में है और उसे क्या कहा जाता है शॉर्टर व्यू निम्न में से कौन सा एम एस वर्ड का नवीनतम संस्करण देखिए नवीनतम संस्करण कौन सा है सात है सोलह है तीन तेरह है दस है तो नवीनतम तो सोलह ही है ना यार नवीनतम सोलह है ये पहले का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लें अभी और अगर नया आ गया हो तो हाँ निम्न में से कौन सा टाइटल केस का एक उदाहरण टाइटल केस है ना टाइटल केस का उदाहरण क्या है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चारों एक ही ऑप्शन है इसमें डिफरेंट क्या है डिफरेंट है मेरे भाई यही तो यही तो समझना पा इसमें दोनों स्टार्टिंग वाले जो है वो छोटे छोटे हैं यानी कि स्मॉल लेटर है इसमें बड़ा है और इसमें छोटा है इसमें दोनों बड़े बड़े हैं उसमें एक छोटा बड़ा है तो ये जो है ना ये टाइटल के इसका उदाहरण है यानी कि जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट जो वर्ड है पहला अक्षर जो है वो बड़ा लिखा जाएगा चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर हाँ, लेटर तकनीक एम एस वर्ड के द्वारा एड्रेस के सेट को आम जानकारी युक्त एक डॉक्यूमेंट में मर्ज कर दें उदाहरण के लिए साक्षात्कार पत्र तो कौन सी टेक्निक है वो डेटा मर्ज या फिर डॉक्यूमेंट मर्ज या फिर मेल मर्ज या फिर लेटर तो भैया मेल मर्ज है ये टेक्निक है वो एम एस वर्ड में दोहराए हुए शब्द की प्रतिक्रिया क्या है होगी एम एस वर्ड में दोहराए हुए प्रति दोहराए हुए शब्द के नीचे लाल लहर आती राइन देखिए हम कभी कभी लिखते हैं ना इससे मैंने लिखा अरुण अरुण गोइंग टू स्कूल फिर अरुण लिख दिया तो उसके नीचे एक लहर आती थी लाल लाइन आती है जो कि हम वो उसमें छपी हुई नहीं रहती सिर्फ हमें दिखती है नॉर्मली आप जब उसको सेव कर लेंगे नहीं देखेगी जब आप टाइप करेंगे तब दिखती सिर्फ तो वो इस चीज़ का उदाहरण भी आपका शब्द जो है बार बार ये वाले शब्द बार बार आ रहा है नेक्स्ट है कि जोई माई डोग जो मेरा कुत्ता है आदमी का सबसे अच्छा दोस्त देखिए जोई जोई माई डोग मैं बेस्ट फ्रेंड इस, इसको देखना मैं इस फोन टू को क्या है ये बोल्ड है क्या इटैलिक है क्या या फिर इटैलिक एंड अंडरलाइन है बिल्कुल आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा ये आपको वही वर्ड समझ में नहीं आएगा लेकिन जब अंडरलाइन कर दिया ना तो फिर हमारा आंसर लाने की मैं हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ये बोल्ड भी हो सकता है है ना क्योंकि अक्सर थोड़े थो बोल्ड भी है लेकिन ये इटैलिक एंड अंडरलाइन है ये हंड्रेड परसेंट किसान अंडरलाइन तो है ही एक शब्द संसाधक सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द संसाधक जो है वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली खर्च किए गए पैसे का लेखा जोगा मीडिया सेंटर में कंप्यूटर खोज करने के लिए एक सूची बनाने के लिए एक जीवनी टाइप करने के लिए तो जी जीवनी टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अड़तीसवा क्वेश्चन है कि अड़तीसवा नहीं मतलब उस जो पोर्सन है उसका अड़तीसवा है बाकी ऐसे तो पता नहीं कितने हो गए हूँ पूरे हंड्रेड क्वेश्चन कराऊंगा मेरी गारंटी लिख कर रख लो कंट्रोल प्लस प्लसिप्ट प्लस प्लस की इफेक्ट क्या करता है प्लस प्लस इज इक्वल टू यानी ये प्लस प्लस वो बराबर जो इफेक्ट है वो क्या करता है सुपर स्पिक्ट लाता है ये सब स्क्रिप्ट सभी के पिछड़ा सेडो ये लाता भैया सुपर स्क्रिप्ट लाता है ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन सा कमांड एम एस पी पी टी में पहली स्लाइड लाता है इनमें से कौन सा कमांड है जो एम एस पी पी टी में पहली स्लाइड तो कंट्रोल प्लस होम जब आप करेंगे कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो ये पहली स्लाइड ले आएगा है ना चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम एस पी पी टी में स्लाइड्स पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं एम एस पी पी टी में स्लाइड पेस्ट करने के लिए पेश करने के लिए, लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल जो इफेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं इफ़ेक्ट कहलाते हैं कस्टम एनिमेशन ट्रांसमिशन ट्रांसिसम या फिर प्रेजेंट एनिमेशन तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसंस Nonsense, कहलाते हैं चलिए नेक्स्ट है आपका एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन खाली स्थान पर स्थित है एक्सेस एक्सेल में इंसर्ट जो फंक्शन है वो कहाँ पर है इंसर्ट जो फंक्शन है वर्टिकल स्क्रॉल बार में या फिर स्क्रॉल बार में या फिर फॉर्मूला बार में स्टैंडर्ड फॉर्मूला बार में बिल्कुल जो आपको फार्मूला लिखा रहता है वहाँ पर उसी बार में ही नेक्स्ट है कि एमएस पी पी टी एक स्लाइड टाइटल मास्टर जोड़ी क्या है एम एस पी पी टी क्या है तो एम एस पी पी टी जो है वो एक विशिष्ट सॉरी एम एस पी पी टी में एक स्लाइड टाइटल मास्टर जोड़ी क्या है एक विशिष्ट स्लाइड का टाइटल एरिया और टेक्स्ट एरिया एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर का एक एक स्लाइड विले ये है बिल्कुल और तीसरा है कि एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर एक विशिष्ट डिज़ाइन टेम्पलेट विशिष्ट डिज़ाइन टेम्पलेट है ये मास्टर जोड़ी वाला हाँ नेक्स्ट है केसर साइड एम एस पी पी टी में लगातार दोहराए लगातार आपको आग, अगर उसको दोहराए जाने रखना है आपको उसमें छेड़ नहीं करनी है तो उसको लूप करते रहें ई एस सी करने तक ठीक है लगातार लूप करते रहें ई एस सी करने तक नेक्स्ट है कि एम एस में आप कहाँ बुक कमांड का उपयोग कर सकते हैं बुक के जो कमांड है उसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं एम एस में ना तो आपको एम एस वर्ड और एक्सल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है एम एस पी पी टी जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है टेक्निकल टीम ध्यान देश चीज़ को हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए एम एस वर्ड में आप कहाँ बुरकुमार कमांड का उपयोग कर सकते हैं व्यू टेब में इंसर्ट टेब में रिव्यू टेब में तो भैया इंसर्ट टेब में तो करेंगे हम इंसर्ट टेब में ही हम करेंगे चलिए नेक्स्ट है कि कैसे आप एम वर्ड में एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट का चयन कर सकते हैं बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट का अगर आपको चयन करना है तो सिंपल ही हम क्या करते हैं सिंपल ही हम कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है बस बहुत सिंपल है एम एस में आप खालिस्तान द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित कर सकते हैं क्या करना है आपको करंट जैसे जो स्लाइड है जिस साइड स्लाइड पर हैं आप उस पर दाएँ क्लिक करना है जैसे आप दाएँ क्लिक करेंगे तो आप उसमें मेनू बार प्रदर्शित हो जाएगा और फिर अगर आप एक खाली स्थिर एक्सेस ऑब्जेक्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे एक खाली स्थिर एक्सेस ऑब्जेक्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे इंसर्ट मेनू पर ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक कर सकते हैं क्या ऐसा करेंगे अरे यार भाई क्या क्या चाहते हो तुम्हें इंसर्ट मेनू पर ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक कर सकते हैं क्या ऐसा करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पर ऑफिस लिंक बटन पर क्लिक कर सकते नहीं इंसर्ट बार पर आपको ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक करना है इंसर्ट मेनू पर ऑब्जेक्ट कमांड पर ठीक है नहीं 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 हाँ हाँ सही है ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक करना है यह आइकॉन एम एस एक्सेल में करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये जो आइकन है ए टू जेड ए टू जेड मतलब क्या है ए जो है स्टार्टिंग में आता है हमारी जो वर्ड वाला है उसमें जेड बाद में आता है यानी कि हम को हमें को बढ़ हमें बढ़ते क्रम में जाना है यानी आरोही क्रम में टेक्स्ट को कर, करता है यह आईकॉन इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा एम एस को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे एम एस को सेव करने के लिए आपको मेनू से स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव के बटन पर क्लिक करना है तो वो सेव हो जाएगी मेनू से जाना आपको एक एक बिंदु एक एन जो है एक बिंदु या अन्य प्रतीक है है ना जो पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है क्या है बुलेट है लोगो है सेल है या टॉर्गेट है तो भैया ये बुलेट है है ना एक एन एक बिंदु है एक बिंदु है वो क्या बुलेट ही तो है है ना हम उसको इस टाइप से भी कर सकते हैं या फिर इस टाइप से भी कर सकते हैं बदल सकते हैं नेक्स्ट इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग देखिए इंटरनेट वेब पेज डिज़ाइन वाला जो आ गया है इसको हम देखते हैं तो इसमें क्या है किस तरह की वेब वेबसाइट इं, इं, इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी का पता लगाने के लिए आपकी मदद करें आपको कोई जानकारी चाहिए आपने सर्च किया कुछ भी भैया नरेंद्र मोदी तो अब क्या करेंगे गूगल पर जाएंगे वहीं पर सर्च करेंगे या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर वेबसाइट होनी चाहिए कि डब्ल्यू 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 डॉट इंडिया डॉट जी ओ डॉट इन या फिर डब्ल्यू 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 डॉट पागल वर्ल्ड डॉट कॉम कुछ भी है ना तो या तो वो होनी चाहिए तो यहाँ पर एक इंटरनेट इंडेक्स सर्च इंजन डोमेन नेम सर्वर या फिर यू आर तो आपके पास सर्च इंजन है तो फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं ऑप्शन सबसे सब बेस्ट है आपका सर्च इंजन आंसर आ जाएगा इसमें नहीं दिया है इनको पता नहीं होगा है ना मतलब मैं लिखना भूल गया टेक्निकल टीम इस चीज का ध्यान दिया करें आप स्वचालित रूप से निवर्तमान ईमेल के अंत में जोड़ा गया टेक्स्ट एक का एक ब्लॉक खालिस्तान कहलाता है स्वचलित रूप से निवर्तमान ई मेल के अंत में अंत में जो जोड़ा गया टेक्स्ट है वो क्या कहलाता है वो सिग्नेचर कहलाता है बिल्कुल आप लास्ट में सिग्नेचर ही तो करते हैं ये स्क्रीन शॉट एक मेल प्रोग्राम के इनबॉक्स से लिया गया है बिल्कुल लिया गया है फिर बता आगे आगे का बताएं मतलब देर ना करें यह स्क्रीन शॉट पर अरे यार स्किल सॉफ्टवेयर कौन सा ऑप्शन है जो प्राप्त किए गए ईमेल को आगे किसी और भाई को भेजने में यूज़ किया जाता है हम क्या करते हैं हम भैया व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ भी आया हमने देखा निपर का उसको क्या किया फॉरवर्ड किया तो उसको फॉरवर्ड करना ही कहते हैं ईमेल में भी उसको फॉरवर्ड ही करना कहते हैं है ना चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा टेक अपने वेब पेज पर हॉरिजॉन्टली एक पंक्ति को इंसर्ट करता है इनमें से कौन सा टैग आप यूज़ करेंगे तो एक पंक्ति इंसर्ट होगी ठीक है तो इसमें आपको ये जो एच आर ये घेरे हुए हैं ये वाला ऑप्शन आप ये राइट आंसर है कंप्यूटर शब्द जाल डब्ल्यू 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 चार बार डब्ल्यू है तीन बार डब्ल्यू नहीं है डब्ल्यू 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 का अर्थ है इसका अर्थ क्या है वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 का तो होगा अब लास्ट का हमें पता करना तो ये क्या है देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वेब तो होगा नहीं या फिर वर्ल्ड वाइड वीमेन तो होगा नहीं या वीक तो होगा नहीं क्या दिया है इन्होंने यार वर्ल्ड वाइड वर्म ही होगा है ना तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टेक्निकली आंसर रहेगा एस टी एम एल में आई एम जी टेक में आपको कब चित्र के फाइल नाम के साथ पाथ का उपयोग करना चाहिए नॉट तो पाद नहीं भाई मेरे पाथ पाथ का उपयोग करना है कब करना है जब छवि फाइल और एटी फाइल का स्थान अलग अलग हो तब आपको ये यूज़ करना है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईमेल पते का सही सही रूप है देखिए कितना सिंपल ईमेल पते का यानी कि आपको ऐट द रेट एट द रेट याहू डॉट कॉम देखना है या फिर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अब यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल गलत है इसमें डॉट कॉम पहले लग दिया इसमें तो इन्होंने भैया एट द रेट इतने पहले लिख दिया ये तो वेबसाइट टाइप से बना दी रमेश ऐट द रेट याहू मेल डॉट कॉम ये सही है ठीक है इनमें से कौन सा एक यू आर एल है देखिए यू आर एल यू आर एल जिसमें डब्ल्यू 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 हो फिर डॉट हो फिर कोई एक नाम हो पर्टिकुलर कुछ भी और फिर डॉट कॉम है ना बीच में कुछ भी रहे हमें नहीं मतलब बीच में कुछ भी रहे तो ये रहेगा डब्ल्यू 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 डॉट याहू डॉट कॉम कुछ भी ऐसा समझते हो मेरा मतलब तुम बहुत तेज हो रहा हो ई मेल प्रणाली में ड्राफ्ट फोल्डर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है ई मेल प्रणाली में यह ड्राफ्ट फोल्डर जो प्रदान करने का उद्देश्य क्या है मेन उद्देश्य यह है कि आपने जो लिख लिया है वो आपका डिलीट नहीं हो तो वो सेव हो जाए आपको उसको भेजना नहीं है लेकिन तो क्या है इसका मतलब नहीं भेजे गए ईमेल को सेव करना आपने जो ईमेल नहीं भेजा आपने लिख तो लिया है आपने सोचा यार नहीं यार अभी नहीं भेज रहे यार कल भेजेंगे यार अभी मूड सही नहीं है तो उसको सेव कर लो तो वो ड्राफ्ट प्रणाली इसीलिए दी गई है निम्न एस टी एम एल कोड एस टी एम एल कोड में से कौन सा वैध है इनमें से कौन सा एस टी एम एल वैद कोड है फोंट कलर रेड ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है फोंट कलर बराबर रेड नहीं बिल्कुल नहीं ये आपका जो है ये, ये दिया हुआ और ये दो ऊपर इन्वर्टेड कामा है ये आपका बिल्कुल सही है फोंट कलर रेड कर देगा ये ठीक है अरे यार गलत हो गया चलिए भैया ये गलत हो गया मतलब मुझसे गलती हुई ये फ़ोन का कलर ये वाला जो रेड ये इसका आंसर रहेगा है, है ना मैंने आपको पहले बताया कुछ चीज़ें मुझे मिस्टेक हो जाए तो वह चीज़ें आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है तो भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये अपन को बिल्कुल मतलब दस परसेंट अपने दिमाग में घुसती है तो ये चीज़ से आपको मैं नॉर्मली बताऊँगा इसके क्वेश्चन जबकि इस टाइप से क्वेश्चन जा सकते हैं आपसे कौन सा कथन सी में निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने के कथन के रूप में जाना जाता है इनमें से कौन सा कथन है जो जो सी लैंग्वेज है देखिए लैंग्वेज की बात हो रही है निर्णय लेने के कथन के रूप में जाना जाता है तो जो डी वाला यानी कि गो टू स्विच इफ और उपरोक्त सभी तो गो टू स्विच और इफ तीनों ही इसमें यूज किया जाता है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है इसका आउटपुट क्या है ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डिफाइन एस क्यू आर इसका पूरा फाइनल इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको इसका फाइनल आउटपुट मिलेगा ग्यारह चलिए नेक्स्ट देखते हैं जोड़ लीजिएगा जो भी आपको आए कौन सी हेडर फाइल कौन सी हेडर फाइल सामान्य उपयोगिता कार्यों का उपयोग करने में काम आती है इनमें से कौन सी हेडर फाइल है तो ये भैया एस टी डी लिब डॉट एच जो है ये काम आती है इस काम में सीन लैंग्वेज का कौन सा अनिवार्य फंक्शन है सी लैंग्वेज का कौन सा अनिवार्य फंक्शन है तो ये मेन मेन और ये ये वाला जो फंक्शन है ये अनिवार्य फंक्शन है सारणी खालिस्तान डेटा टाइप का एक समूह है सारणी जो है किस डेटा टाइप का समूह है तो ये भैया सिमिलर डेटा टाइप का समूह है ठीक है सारणी बाकी और दूसरा देख लेना आप निम्न में से दिए गए निम्न नीचे दिए गए में से कौन सा सी कीवर्ड अमान्य है नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा सी कीवर्ड अमान्य है इंटीजर इंटीजर इसमें अमान्य अमान है बिल्कुल इंटीजर अमान्य है किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है इनमें से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है नीचे दिए गए द्विधारी पेड़ बाइनरी के लिए पोस्ट ऑर्डर चंक्रमण अनुक्रमण क्या होगा देखिए पोस्ट ऑर्डर चंक्रमण अनुक्रमण क्या होगा आपको इनमें लेना है सबसे पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ये, फिर ये नहीं लेना फिर ये और फिर इसी की सीध में कौन सा आ रहा है नहीं इसके बाद ये और फिर इनके ये ये फिर ये और फिर ये फिर ये ऐसे करके तो इनमें से आपको देखना है है ना <coughs> ये वाला आंसर रहेगा चौथा वाला आप देख लेना थोड़ा सा जिन लोगों को पता है मैंने आपको बता दिया सी में शोर का न्यूनतम साइज क्या है सी में शोर का न्यूनतम साइज क्या है तो उसका आठ बिट रहे लास्ट का आपका है सी फंक्शन में प्रोटोटाइप क्या है तो प्रोटोटाइप यह एक फंक्शन की डिस्कलरेशन है यह एक फंक्शन की डिक्लेरेशन है तो ये आपके हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रेडियो का इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर आ सकता है नाइन्टी परसेंट चांसेस है इस टाइप का नहीं भी आए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से पूछे जाएंगे दूसरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपके लिए इन्फॉर्मेशन बेस्ट रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए आए भैया ऐसे ही नहीं जाना अपन पर को प्रसाद लेकर जाना है है ना कथा के प्रसाद बिल्कुल आपको देखकर जाना है मैंने कथा सुनाई है प्रसाद आपको बांटना है तो लाइक आप करके जाएं चैनल को आपको बिल्कुल जरूर से सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हैं तो और आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो एग्ज़ाम से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करें मैं आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद भारत थैंक यू